जैसे अब हम लोग निकल रहे हैं बगहा के लिए ब्लॉग बनाने के लिए। अभी हम लोग हैं लजीज बिरयानी के पास, यहाँ से अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं और अब निकल रहे हैं। देखिए पूरा सेफ्टी के साथ निकल रहे आदमी। ये तो हो गया अपना गमछा और बाइक, हेलमेट वेलमेट सब है, देख लीजिए। आप लोग भी भाई पूरा सेफ्टी के साथ निकल कीजिए। भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लौरिया। अड्डा पर रुको अपना अड्डा पर। अब हम लोग आ चुके हैं लौरिया। ये है लौरिया, जहां से आपको लेना होगा लेफ्ट। ये ऐसे लेफ्ट जाएंगे हम लोग, अभी बस वाला है ना, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा आगे आके उसके बाद लेफ्ट लेंगे। ये गोल चौक से आपको लेफ्ट लेके सीधे जाना है बगहा के लिए। बेतिया से बगहा आप ऐसे जा सकते हैं। लौरिया में भी घूमने लायक बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। नंदनगढ़ है और अशोक स्तंभ है, तो आप लोग मेरा वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पे आके घूम भी सकते हैं। सब अंदाजा लग जाएगा कैसे क्या है, मैंने पूरा रास्ता भी दिखाया हुआ है। इधर से भी आप जा सकते हैं, इधर जाएगा अशोक स्तंभ और आगे मैं दिखा दूंगा कि नंदनगढ़ कहाँ से जाता है। ये है भाई थोड़ा सा बिहारी लुक, ये अच्छा लगता है भाई। वैसे हम लोगों का भाई फेमस यही है ना भाई, बिहारियों का फेमस लुक है भाई ये। वो तो शर्माना नहीं है भाई एकदम। किसी ने कह रहा था कि भाई ब्लॉग में बहुत शर्माते हो, तो आप लोग बताइए भाई कि क्या ब्लॉग में हमको शर्माते हैं? हो। अरे ऐसे शर्माते हैं क्या भाई ऐसे? क्या फिर ऐसे अरे देखिए ये होता है भाई शर्माना। चीनी मिल लोनिया का एकदम फेमस आपको जमीन दिखेगा ना, पूरा इसने लीज पे ले रखा है मूंख के लिए। ये बिहारी है भाई मूंख, और इसको गन्ना भी बोलते हैं, मतलब गन्ना ही बोलते हैं इधर बिहार में, मूंख बोला जाता है। यहाँ से जाता है भाई अशोक, सॉरी बुद्ध उत्सव, नंदनगढ़ के लिए रास्ता यही जाता है। और मैं अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा। ये हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बगहा। ये है बगहा, एक लाल शहर में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आप लोग भी देख लीजिए भाई, ये वो है बगहा शहर जैसे है पूरा। और जो भाई डिमांड किए थे कि भाई बना देने के लिए बगहा शहर का, तो लो भाई मैंने बना दिया। वीडियो देखो और भाई शेयर भी करना। ये सारे बगहा एक के शहर हैं। यहाँ से शुरू होता है मार्केट, बगा एक का पूरा मार्केट है ये। पूरा लाइन से आपको देख रहा हूँ कि ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। मार्केट हॉस्पिटल सब इधर ही है, सारे मार्केट्स हैं। ये शोरूम देख लीजिए आप, सरकारी हॉस्पिटल बगहा का ये जो आप देख रहे थे, ये सरकारी हॉस्पिटल है। ये अंदर पूरा समिति बाजार चला जाएगा बगहा का। ये LIC ऑफिस, ये भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग भी और मजा कीजिए भाई। वीडियो देखिए ऐसे ही पूरा शहर दिखता है बगा का, आप लोग भी देख लीजिए कि कैसा दिखता है। ठीक, ये भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ भी काफी अच्छी अच्छी चीजें बन रही है। पशुपालन विभाग है, आदित्य विजन यहाँ भी है भाई। देखिए ये जो आदित्य विजन है वहाँ भी है, यहाँ ब्रांच है, रेस्टोरेंट रिलायंस ब्रांच का भी ब्रांच है पूरा बगान में। बगान भी भाई मोटा मोटा शहर नहीं है, ये भी अच्छा खासा शहर है, डेवलप हो रहा है। मतलब ये बेतिया में कम फेमस है लेकिन डेवलप ये भी हो रहा है धीरे धीरे, ये भी फेमस हो जाएगा।
यहाँ पे बैठे हुए हैं गांधी जी। यहाँ पे गांधी जी बैठ के सबको बताते बताते रहते हैं, कोई तोड़ना वोड़ना नहीं है रूल वूल। ये है नगर परिषद, अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर जाया करेंगे क्या? बिल्डिंग्स अंदर से भी ऐसा ही दिखता है जैसे बाहर से दिख रहा है, और अंदर एंट्री मिलेगा भी नहीं। यहाँ पे सुधा का भी आ चुका है, यहाँ से आप लोग सुधा के सामान ले सकते हैं। ये किसान भवन है सामने, कर देता हूँ। ये रहा किसान भवन, गाछ से नहीं दिख रहा है लेकिन आप देखिएगा। ये है प्रखंड अंचल यानी ब्लॉक, वहाँ का ब्लॉक है। बहुत जाति निवास, बर्थ सर्टिफिकेट सब यही सब इधर बनते हैं। इनकम सर्टिफिकेट सारे इधर ही बनता है। ये बिजली विभाग का है ना, ये भी वही है, अनुमंडल का ही है। और बिजली विभाग आगे है, बिजली विभाग का भी दिखाते हैं हम लोग। यहाँ से जाता है इस कंट्री है बिजली विभाग का, ये सारे उसी के हैं अंदर। ये गांधी चौक बोला जाता है इसे। यहाँ रहा विद्युत कार्यालय, इसी हाँ बिजली बिल इधर ही जमा होता है। आप आके यहाँ से बिजली बिल जमा कर सकते हैं। देखिए लगे आप लोग ये भी देख लीजिए, भैंस ऐसा, पड़ी ये बगा का नदी है पूरा अंदर। ये रुकिए, ये यहाँ से शुरू है। ये है बगान दो, बगान दो में ओवर ब्रिज का काम शुरू है। हम लोगों के से भी हेवी ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, बेतिया से भी ज्यादा हेवी। इतना मोटा मोटा दीवार जो दिख रहा है, ये हमें बेतिया वाले में नहीं दिखेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। पूरा काम चालू है, ओवर ब्रिज का बन जाएगा तो उसके बाद ओवर ब्रिज का भी बनाया जाएगा। जब आ जाए हम लोग तो उसके बाद अगली बार ओवर ब्रिज का बनेगा। भाई दीवार इसका टेढ़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है भाई? ये काफी हेवी बन रहा है ओवर ब्रिज, काफी लंबा है ये, मतलब बहुत दूर तक है। यहाँ पे शुरू होता है गुमटी, इसी के लिए मतलब बन रहा है ओवर ब्रिज ताकि यहाँ पे जाम ना लगे। तो हम लोग फंस चुके हैं जाम में। ये पूरा बन रहा है, देखिए कितना हेवी बना रहा है ओवर ब्रिज। हिला ये रहा सिग्नल, अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रेलवे फाटक। इसी के वजह से बन रहा है ताकि जाम ना लगे। और आगे स्टेशन है रेलवे फाटक रेलवे स्टेशन बगहा का। बेतिया वालों आप लोग भी देखिए, और बगहा वाले भाई आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग देखिए और शेयर भी कीजिएगा। बेतिया वाले आप लोग भी शेयर कीजिएगा भाई, अपने बगहा वाले दोस्तों के पास या फिर अपने और सारे दोस्तों के पास सपोर्ट कीजिए भाई लोग। वीडियो को और आगे तक तो पहुंचाइए ताकि हम लोग भी ग्रो करें। भाई आप लोग किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, अरे गहरे जो भी खराब वीडियो बनाता है हमें भी करिए भाई। क्या हम लोग खराब बनाते हैं? नहीं, एकदम नहीं बनाते हैं, खुद से ही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग डिसाइड मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ ऐसे मजाक से। भाई सपोर्ट कीजिए लोग। प्रखंड है संसाधन प्रखंड, और आगे स्कूल है सरकारी, ये सब इसके मार्केट्स बगा के। और भाई लोग अगर बगहा वाले आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बताइए भाई बगहा में क्या क्या फेमस है, ताकि फिर से आए हम लोग तो वो चीज को, उस जगह को, उस लोकेशन को भी हम लोग बनाए, कैप्चर करें। हम लोग तो नहीं जानते हैं। हाँ बगहा में खाने के लिए भी बताइए भाई क्या फेमस है, ताकि हम लोग आए तो हम लोग को दिक्कत ना हो खाने पीने का, आगे से अगली बार हम लोग जब आए। आगे अभी हम लोगों को खाना खाना है तो हम लोग ढूंढ के परेशान है भाई कि कहाँ मिलेगा, तो इसीलिए। और यहाँ पे बगहा ब्लॉक शुरू होता है, देखिए लिखा भी है बगहा ब्लॉक, जो हम लोग को सामने दिख रहा है भाई हम लोग बना रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं पता है। बोल ये है कोर्ट,
बगहा का कोर्ट है ये, तो इसी में जा रहे हैं। और आप लोग भी बता दे, बगहा में एसपी बैठते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि भाई बेतिया, बगहा का भी एक एसपी है, भले कलेक्टर एक है लेकिन एसपी दो है, एक बेतिया एक बगहा। ये पूरे अंदर का है, कचहरी के अंदर का है ये पूरा। गजब भीड़ है भाई साहब, ये सारे अंदर के कचहरी के लोकेशंस हैं, बगहा के अंदर का कचहरी है ये सब। और यहाँ पे ग्राउंड्स भी है आराम आराम करने के लिए इसके अंदर। तो भाई हम लोग का हो रहा है यहाँ से रिटर्न बगहा, हम लोग घूम चुके हैं, हम लोग खाना यहाँ पे ढूंढ रहे थे होटल जो अच्छा मिल जाए यहाँ पे, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, तो हम लोग अब ऐसे ही निकल रहे हैं बिना खाए बगहा से। भाई बता देना यार बगहा वालों, अगर आप देख रहे हो तो बढ़िया जगह पे। ये पूरा बगहा का बाजार है, 99 बाजार। और आगे देखिए ट्रेन जा रहा है, जा रही है, जा रहा नहीं है, जा रही है। ना ट्रेन जाता है ना जा, ट्रेन जाती है, ट्रेन जा। देखिए भाई पीछे से बोल रहे हैं, ना ट्रेन जाती है ना ट्रेन जाता है, ट्रेन जा जा जा। ये क्या है भाई, ये कड़ी जाम के बाद हम लोग निकलते हुए बगहा से। भाई ये सब देख रहे हैं ना, ये लोग खरीद वरीद के हमको तोहफा किया कीजिए भाई, आप लोग ब्लॉगर है भाई, इतना घूम मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो भाई तोहफा कीजिएगा, तब ना भाई खाएंगे पिएंगे तो और ब्लॉग बनाएंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? है 12 बजे हम लोग निकल रहे धूप में, कड़ी धूप में, आप लोग सब तोहफा दीजिए हमको, फल वल सब ना भाई, ये संतरा वंतरा सब है, मैं बहुत मीठा होता है भाई। बगहा तो कुछ और ही समझ रहा था। का रेलवे स्टेशन अंदर वाह, भी काम लगा हुआ है, पूरा स्टेशन को रिन्यू किया जा रहा है। अंदर अंदर तो सब सेम ही होता है, बस बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा है। चाचा ट्रेन में भाई जाके शॉपिंग कीजिए लोग, दोबारा से मैं ट्रेन से कह दिया हूँ आपको, 60-50% ऑफ मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो जो पीछे बैठा है ना उसको पकड़ के मारिएगा, शकल दिखा देते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भैया शकल छुपा रहे, कोई बात नहीं है, मैं झूम काटूंगा, वैसे भी मैं छुपा, मैं लाता हूँ भाई, इसमें भाई सब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।